बिल्कुल ये तस्वीर मेडिकल कॉलेज मेरा नाम मोहसिन है, मैं कश्मीर में रहता हूँ, कुलगाम में। सर हमारा ये था कि जो फर्स्ट क्लास का हमारा ग्रुप है यहाँ MBBS GMC मेडिकल कॉलेज का, जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो फर्स्ट क्लास का ग्रुप है वो बनाया इस पर्पज के लिए गया था कि वहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल सर्कुलेट हो। लेकिन अभी एक दिन पहले क्या हुआ कि एक जो बंदा है फर्स्ट क्लास का, तो उसने क्या किया कि जो आपको पता है एक कंट्रोवर्शियल मूवी बनी थी केरला स्टोरीज, वो ग्रुप में सर्कुलेट। सर उसके जो बैचमेट हैं उन्होंने उसको बोला कि ये जो है ये ग्रुप इस पर्पज के लिए नहीं बना है, तो तुम्हें काम करो, ये जो है ये जो ग्रुप इस पर्पज के लिए नहीं बना है तो ये मैसेज आप इस ग्रुप में सर्कुलेट मत करो। सर फिर उन्होंने अपना सिंपल एक ओपिनियन रखा था वहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया शाम को फाइनल प्रॉप से मतलब अपने सीनियर्स बुलाए और उसके रूम में गए और उसको पीटना स्टार्ट किया। इसी बात पर उस बंदे ने जो अपने बैचमेट जो फर्स्ट प्रॉप के उनको पकड़ा है और फर्दर उस सीनियर को बुलाया है और उनको मारने की कोशिश की है। फर्दर जो फिर उन्हीं के बैचमेट फाइनल ईयर का उनको बचाने के लिए आया है, लेकिन उसके बाद उनके आपस में हाथापाई हो गई और उसके बाद जो हुआ कि जो बंदा है फाइनल प्रॉप का उसने पता नहीं शराब की बोतल थी या कुछ और हथियार था उसकी वजह से सर पे मारा है और आप देख सकते हो एक को जख्मी कर दिया है। और आउटसाइडर अच्छा जब हम यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने तो तब तक पीछे पीछे हम उधर खाली रखा था सब कुछ, तब तक पीछे से कुछ बाहर वाले बंदे आ गए और जो हमारे कुछ बच्चे खुचे हमारे साथी थे उन पर हमला किया है। बाजाबता तौर पर वहाँ पे CCTV है तो आप जिसको चाहे वो देख सकते। जी जो ये भाई ने बोला तो उसके बाद जब हुआ तो हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे से एक PG इधर से निकला है कुछ वो बाहर का है आउटसाइड, उसने गुंडे हायर करके लाए और गाड़ी में घुस के अंदर गया, उधर दो बंदों को मारा बाहर से गुंडे लाके सीधा हायर करके, और इवन वीडियोस भी है सबके पास सारे एविडेंस जो आपको अगर चाहे हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है। उन्होंने गुंडे बाहर से लाके अंदर बंदे को मरवा रहे हैं, इसको पहले इसको नहीं लगी, जिसको लगी है वो अंदर बेड पे पड़ा है, वो सीवियरली इंजर्ड है, उसको 12 टांके लगी है। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये है कि एक तो उस जो बाहर से गुंडे हायर करके लाया और खुद आया उसके खिलाफ अरेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, उसके खिलाफ वारंट क्यों नहीं निकल रहा है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? वो तो बाहर का है आउटसाइड रहे, चलो हॉस्टल वालों का कॉलेज देख लेगा, लेकिन कॉलेज उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं दे रही है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो बाहर का है ना। ये पहला वाक्य नहीं, यहाँ पे हर रोज ऐसा होते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्टॉप हो जाए।